खबर पाढ़ुना से। साइबर क्राइम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। पाढ़ुना की सीएम राइज स्कूल में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता तहसील विधिक सेवा समिति पाढ़ुना एवं जनाधिकार समिति के संयुक्त तत्वाधान में साइबर क्राइम विषय को लेकर स्कूली छात्रों को जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय कृष्णदास महार सर उपस्थित संपन्न हुआ। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है और किस प्रकार हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत साइबर क्राइम क्या होता है इसकी जानकारी मिथिलेश उइके द्वारा छात्रों को दी गई कि कैसे हम लोगों को साइबर क्राइम के माध्यम से कंप्यूटर और मोबाइल कैसे हैक किया जाता है और हमारे व्यक्तिगत जानकारी कैसे चुरा ले जाते हैं, इस बारे में अवगत कराया गया। उसके बाद पाढ़ुना थाने में सब इंस्पेक्टर मैडम अनिता सराठे ने उदाहरण के माध्यम से बताया कि कैसे छोटी छोटी लड़कियों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ट्रैप कर फंसाया जाता है और कई प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनमें मालूम भी नहीं हो पाता और आपकी व्यक्तिगत फोटोज इंटरनेट पर आ जाती हैं, इससे कैसे सावधान रहा जा सकता है इस बारे में सरलता से समझाए। कार्यक्रम में अंत में प्राचार्य चंद्रशेखर बरेड ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में जस्मिन मेडल, कमल यादव, राहुल आरपुरे, प्रवीण वाहने, दीप राजगुरु, नेहिल सांवारे, प्रशांत माहुरकर, नीलेश कांवले, उमेश कड़वे, संतोष खरवड़े, दिगंबर भांगे एवं समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। और सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। सारे टीनेजर्स ही बैठे हैं ना, जो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत एक्टिव होते हैं। मोस्टली जैसे सर ने बताया कि 99% लोग मोबाइल का यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल का एक एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। खास करके लड़कियाँ जो आजकल रील्स का जो जमाना चल रहा है, रील्स बनाना है, फेसबुक सोशल मीडिया पे अपडेट करना है, लेकिन ये कुछ हद तक ही ठीक होता है। इसीलिए कि ठीक है, आप अपनी लाइफ को सोशल ना करके एक मोनोपोली कर लीजिए जो अपने एक रिजर्व बोला है। खबर भारतवर्ष के लिए पाढ़ुना से प्रशांत माहुरकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।